हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। आज एक बार फिर हम हाजिर हुए नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम सीखेंगे शॉर्ट ई। आप अपने बुक का पेज नंबर 2 ओपन कीजिए और अब हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में शो होता है, शॉर्ट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डॉट एंड इज ए सेकेंड प्लेस वोवल। अब आप लोग पूछेंगे, सर ये शॉर्ट ई क्या होता है? अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनना। ये हमने लिखा है वी, क्या लिखा बोलो? ये हमने लिखा है वी और अब हम लिख रहे हैं नया वर्ड पेन। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें भी ई का साउंड है, ई का वोवल लगा हुआ है और इसमें भी ई का वोवल लगा हुआ है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको बात समझ आएगी कि मैं कौन से शॉर्ट ई की बात कर रहा हूं। अब आप इसको वी को प्रोनाउंस कीजिए, वी। जब आप वी को प्रोनाउंस करेंगे तो ई का जो साउंड है वो थोड़ा सा लंबा आएगा, लेकिन जब आप पेन को प्रोनाउंस करते हैं तो ई का साउंड बहुत छोटा आता है। तो हम इस शॉर्ट ई की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमें पेन में साउंड सुनाई देता है। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए, दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। शॉर्ट ई is represented by a light dot and is a second place vowel। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारे पास vowel लगाने के लिए तीन place होते हैं, first, second and third। तो पिटमैन जी बताते हैं, short e के लिए light dot लगेगा और कहाँ पर लगाएंगे इसको? second place पर लगाएंगे। कुछ word की practice करते हैं जिससे हमें clear हो जाएगा। पहला word लिखा है h, E T C H, H में T साइलेंट होता है, चे का साउंड आ रहा है, तो हमने पहले चे को लिखा और E के लिए क्या लगा दिया? लाइट डॉट लगा दिया। इसलिए इसको पेंसिल से लिखते हैं ताकि पेंसिल से हमें लाइट डॉट और हैवी डॉट का पता लग सके। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहले जो डॉट लगा था वो भी सेकंड प्लेस पे लगा था, लेकिन वो हैवी डॉट था और लॉन्ग ए के लिए था। ये जो डॉट है ये लाइट डॉट है और ये शॉर्ट ई के लिए है। अगला वर्ड है एस, अगला वर्ड है आपका एस, ई डी जी ई, एस जे बनाया और ई के लिए लाइट डॉट, तो क्या बन गया? एस। अगला वर्ड है बैट, बी ई टी, बैट में क्या क्या साउंड आता है दोस्तों? बैट में साउंड आता है बी और टी, बी पहले बी बनाएंगे उसके बाद टी बनाएंगे और ई के लिए लाइट डॉट बी के ऊपर, बन गया बैट। अगला वर्ड है आपकी बुक में पैप, पैप में साउंड आता है पैप, दो बार पी का साउंड आता है, तो इसलिए हमने पहले कॉन्सोनेंट ड्रॉ किया दो बार पी का और पहले वाले पी में, पहले वाले पी में डॉट लगता है ई का, शॉर्ट ई का, तो बन गया पैर। अगला वर्ड लिखा है इसमें टेड, टी ई डी टेड, टेड में क्या क्या साउंड आता है? टी का और डी का, पहले टी ड्रॉ किया फिर डी ड्रॉ किया और टी के ऊपर टी का डॉट लगाया, तो बन गया टेड। अगला वर्ड आता है टेड, आप कई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है किसको डेप्थ क्यों नहीं पढ़ रहे, डी ई बी टी, इसको डेप पढ़ते हैं ना कि डेप पढ़ते हैं। ग्रामर का एक रूल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टी से पहले जब भी बी आएगा, टी से पहले जब भी बी आएगा बी साइलेंट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं? डेप पढ़ते हैं ना कि डेप। तो आप आउटलाइन देखेंगे, साउंड बेस है इसलिए आउटलाइन क्या बनी है? डी और टी, क्या बनी आउटलाइन? डी और टी, ना कि डी बी टी। अगर इसको डेप साउंड करता तो हम आउटलाइन आते हैं डी बी टी, लेकिन साउंड करता है डेप का तो हम आउटलाइन आ रहे हैं डी और टी, ई के लिए हैवी डॉट। अगला जो वर्ड है हमारी बुक में आप पढ़ेंगे जेट, अगला वर्ड क्या है? जेट, जे जे ई टी, आपने जे बनाया और टी बनाया, ई के लिए लग गया लाइट डॉट, जेट। आगे पढ़ेंगे नोट, नोट को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन में दिखता है, द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन, राइट द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक आउटलाइन फर्स्ट एंड देन प्लेस द वोवल साइड। जैसा कि हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं आपको कि
जब भी सेकंड प्लेस ओवर हमारी आउट लाइन का पहला बॉल होगा तो पहला वाला स्ट्रोक जो होगा लाइन में रेस्ट करेगा, लोड पे जैसा लिखा है द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन, पहला स्ट्रोक कहां रेस्ट करेगा लाइन, जैसे बी ई टी बैट है, बैट में जो बी है कहां पर रेस्ट करेगा ये लाइन में रेस्ट करेगा और उसके बाद अगला कॉन्सोनेंट आगे जुड़ेगा। तो बी को लाइन पर रेस्ट क्यों कराया, क्योंकि रूल है फ्रीक्वेंसी ने बताया कि अगर हमारा पहला ओवर हमारी आउटलाइन का पहला ओवर सेकंड प्लेस ओवर होगा तो हमारी आउटलाइन का पहला जो स्ट्रोक होगा वो लाइन पे रेस्ट करेगा। आगे बताते हैं राइट द कॉन्सोनेंट आउटलाइन फर्स्ट देन प्लेस द बॉल साइन, जैसा हमने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट ड्रॉ करेंगे उसके बाद आउटलाइन बनाएंगे, सबसे पहले हम करते हैं कॉन्सोनेंट ड्रॉ उसके बाद बॉल लगाते हैं, इस तरीके से इसको लिखने का तरीका है, हम साथ साथ ओवल लगाते हैं, पहले पूरी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद ओवल लगाते हैं। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है, मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा जो कि आपको घर में अपनी ईमानदारी से करना है, ईच एंड एवरी वर्ड फाइव लाइंस करनी है, और हमारे इस चैनल को जब भी कोई दिक्कत है आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।